की वो तो है, तो तो हाँ। तो आप सब मैं उम्मीद करती हूँ होंगे तो ड्रामे देख रहे हो पिटारा के जो जो करवाने का था इसको तीसरे अबू से पता नहीं तीसरा है चौथा है पांचवा है हमारे सामने तो तीसरा है जो जो करवाना था करवा ली और अबू भी कितने बेशरम ना क्या बोल रहे थे मैं जाऊंगा अपनी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं तीन हज़ार में खाना बुक कराऊंगा रोज़ मैं बाहर से खाना लेके खाऊंगा और कभी तो क्या हाथ में ले रहे कभी क्या ले रहे इनकी बेटियां लिख रही है कि अबू ने जान देने की कोशिश की और यहाँ पे आके देखो इनके ड्रामे ड्रामे देखो आम की पेटी लेके आया हूँ मीठा लेके आया हूँ इतनी मोहब्बत तो ये अपनी औलाद से नहीं जताए औलाद से क्या जताएँगे वो जो बिल्लू आंटी है तो उसके पास आने के लिए ये तो अपनी औलादों की बलियाँ चढ़ा दे चढ़ा दे क्या चढ़ाए है अपनी औलादों की बलियाँ चढ़ा चढ़ा के ये यहाँ पे पहुँचे अब देखो इनके चेहरे पे खुशी मतलब कितने ठरकी है ना इनके घर के आदमी शर्म नाम की इनको बिल्कुल भी चीज नहीं है भाई बहुत ठरकी लोग है देखो जरा सी भी शर्म नाम की चीज़ है बुढ़े के अंदर के मतलब इतना इतनी जलील करवाई इतनी गालियाँ खिलवाई इतना लोगों ने इसको जलील किए लाइवे लगा लगा के जलील किए कमेंट कर कर के जलील किए लेकिन इसको देखो जरा सा भी शर्म नहीं है भाई जरा भी शर्म नहीं है बहुत ठरकी है भाई इनके घर में औरतें क्या और आदमी क्या सब ठरकी है पर एडिटिंग करते वीडियो बनाते भूल जाती हूँ अक्सर तो, में पास पड़े रहेंगे, तो तुम भूलोगी नहीं और खाओगी पड़े -पड़े सारा दिन, है। है दिन ना मैं हनीमून रूम में ही रहती हूँ इसके लिए मेरे सर के पास में रखी है अम्मा ने और बता ऐसे रही है की तो फिर तुम भूल जाती हो किचन में पड़े पड़े सड़ जाते है घर में इतने जने हैं लेकिन किचन में पड़े पड़े सड़ जाते हैं और इसका खाना इतना ज़रूरी है ये मैंगो जैसे कोई दवाई हो क्या चू बना रही है पब्लिक को वाह 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 आप लोग खुद सोचो कि घर में इतने जने हैं बच्चे हैं सब है किचन में रहने से आम कैसे ख़राब हो जाएंगे बच्चों को भी बड़ा पसंद है सबको पसंद है सब खाएंगे ना तो ये ऐसे क्यों बोल रही है कि किचन में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे जैसे ये सारा राशन अलमारी में रख के अलमीरा बंद करके रखती है ना उसी तरह से ये आम अलमारी में नहीं रख सकती अपने बेडरूम में रखती है ताकि कोई खा ना ले इतनी हलकट औरत ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी बहुत हलकट है बिटारा कभी नमाज दरुद भी दिखा दिया कर हमेशा तेरे मुंह में गाना गुनगुनाना छिछोरे पने करना ये सभी रहता है और इतनी घटिया औरत है बोल रही है कि इस केक के ऊपर अच्छा हुआ अभी तलक के आयत की नजर नहीं पड़ी वरना तो ये केक है ना अभी तलक के सलामत नहीं रहता और बच्चों से छुप के ये यहाँ पे बैठ के केक काट रही है सोचो आप लोग कितनी गंदी औरत होगी और रूम में सिर्फ आम छुपा के नहीं रखी थी केले भी ये वो रूम में छुपा के रखी अपने बेडरूम में आप लोग खुद बताओ कि तो आप लोग अपने घर में अपने बेडरूम में फ्रूट वगैरह रखते हो इस तरह से अपने सर के पास जबकि फैमिली में इतने मेंबर हो तो, तो यहीं से पता लगा लो कि ये औरत कितनी हलकट औरत है छोटे से दिल की मलिका जो हर चीज खाने पीने की राशन वगैरह सब छुपा के रखती है खुद को खाने का है तो बाहर जाके खा के आ जाती है बच्चों के साथ सोचती तक के नहीं है कि बच्चों के लिए भी लेके जाऊं, जिनको उठा के उनके माँ बाप से लेकर आई हूँ नौकर बना के रखी हूँ तो इससे ही पता चलता है ना कि इसका दिल कितना बड़ा है मेरे बालों से तो अंदाजा लगा लिया होगा किसी तरह के आसमान के लिए मैं वीडियो शूट कर रही थी अच्छा मतलब ऐसे बाल बने रहेंगे तो अब हमें अंदाजा लगाना है कि तू चुड़ैल के चैनल के लिए शूट कर रही है और इसको शर्म आ रही है ये औरत बोल रही है कि मैं बाहर का भी सीन ले रही हूँ बाहर भी मैं निकली हूँ सितारा के चुड़ैल के लिए और वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा शूट करते जा रही हूँ मतलब ये औरत ने शर्म है एकदम ही ख़त्म कर दी है भाई एकदम ही ख़त्म कर दी है ये घर में जो गलाजत कर रही थी ना अब ये बाहर निकली है गलाजत करने मुझे ये समझ नहीं आता है एक तो ये जो अबाए का यूज़ कर रही है जब मन होता है पहनती है जब मन होता है फेंक देती है ये जो इसके सपोर्टर है इतनी इतनी सी बात के ऊपर जो सलमा के ऊपर चीखते रहते हैं तो उनको अगर यही चीज़ सलमा करे तो उनको कितनी तकलीफ़ हो जाएंगी कि सलमा बहुत गलत कर रही है अबाए का यूज़ कर रही है और जब यही घटिया हरकतें ये करती है तो इनकी इन इंसानियत कहाँ मर जाती है जब सलमा ने नमाज़ की चादर छोड़ के एक वीडियो क्या बना ली तो सबने लिखा कि सलमा ने बुरका छोड़ दी नंगी हो गई और ये जो बेशरम एक तो अबाया जब देखो जब पहन छोड़ पहन छोड़ करती है दूसरा अभी घर से बाहर निकली है बिना अबाये के एक्टिंग करने के लिए मतलब हद है भाई हद है शर्म नाम की चीज ही नहीं है ये औरत में मुझे नहीं लगता ये सुधरेंगी ये और बिगड़ रही है ये और ज़्यादा कर रही है पता नहीं कैसे इसके सपोर्टर ये सारा गंद उनको क्यों नहीं नजर आता पहले भी अपने वक़ार यार के साथ में जाके बाहर शूट करके आई थी अभी ये फिर बाहर निकली है शूट करने के लिए तो हो सकता है कि शूट वूट तो ड्रामा होगा बाहर मुँह काला करने जाना होगा इसको बेशरम घटिया औरत को और इसके होठ देखो अभी भी इसके होठ के ऊपर कितने जख्म है जो लिपस्टिक से बाहर निकल निकल के चीख चीख के बता रहे है कि हाँ ये एक घटिया औरत है ये का काला करने के लिए जाती है और पता नहीं लोग भी इसके घर पे आते हैं बहुत गंदी है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती भई किसी को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती इससे क्यों सवाल नहीं करते कि रोज़ रोज़ तुम्हारे होटों पे इतने जख्म क्यों रहते और अगर ऐसा मौसम है कि वहाँ पे जखम होते रहते होटों पे तो फिर तो इनके पूरे घर में सबको होना चाहिए सिर्फ़ इसके ही होटो पे इतने ज़खम क्यों रहते कभी कहाँ पे जख्म तो कभी कहाँ पे जख्म तो ये सारे सवाल इससे क्यों नहीं किए जाते और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सलमा ने बीच में एक वीडियो बनाई थी मस्जिद नबी में रो रो के तो पता नहीं उसने वैसलिंग लगाई थी या क्या था समझ नहीं आया तो उसके होठ मोटे दिख रहे थे शायद रोने के वजह से हो गए थे या क्या था समझ नहीं आया लेकिन उसने बुटोक्स वगैरह नहीं कराई थी लेकिन इन लोग इतना पीछे पड़े थे सलमा के कि इसके होठ क्यों बड़े दिख रहे हैं इसने बुटोक्स करा ली ये करा ली वो करा ली ले ये पिटारा के ऊपर ध्यान दो इसको पूछो कि तुम्हारे होटों को क्या हुए रहता है रोज़ कहाँ मुकाल करती हो बाद में सलमा के ऊपर बोलना क्योंकि वो ऐसा कुछ ना करती है और ना नजर आता है और पिटारा ने एक बहुत बड़ी बात है ना अभी भी आप लोगों से छुपाई है तो इसके बाद वाली जो मेरी वीडियो आएंगी ना वो जरूर देखना आप लोगों को शौक लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी फ्रॉड औरत है बहुत बड़ी बात इसने छुपाई है आप लोगों से तो वीडियो जरूर देखना आप लोगों को मजा आएगा कितनी फ्रॉड औरत है लेकिन सारा मैंने आज डन कर लिया शुक्र वाह वा, 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 कितना नेकी का काम करके आई है ना शुक्र अलहमदुल्ला बोल रही है कभी नमाज पढ़ती है अबाया पहन के गई थी शुक्र अलहमदल्ला वाह पिटारा घटिया काम करने गई थी घटिया काम पूरा निपटा के आई है और शुक्र अलमदुल्ला बोल रही है लख दी लानत है तेरे ऊपर मनुस डॉलर के लिए कितना गिरेगी औरत कितनी गिर गई है और कितना गिरना बाकी है इसका क्या पता फ्रेश फ्रेश और चमक रहे और तेरे सामने हर एक मर्द चमकता है लेकिन शर्म नाम की तेरे अंदर चीज नहीं है अपने बाप को बोल रही है कि तेरा बाप तेरे पास आके चमक रहा है लानत है तेरे ऊपर तुझे देख के तो वकार भी बड़ा चमकता है ये जो आमिर बैठा है ये भी चमकता है सभी मर्द जो बाहर के आते हैं ना वो तुझे देख के बड़ा ही चमकते वैसे ये वकार और इसका भाई इसकी भाभी इसकी माँ चौबीस घंटा पिटारा के पीछे धूम हिलाते फिरते हैं ना इन लोगों को ही लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में पूरी प्रॉपर न्यूज़ है ना शेयर करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोग क्यों इतना कुत्ते बने हुए हैं ना पिटारा के पीछे धू मिलाने वाले कुत्ते क्यों बने हुए अगली वीडियो देखना बाकी पिटारा बाहर गई थी शूट करके आई सारा कुछ की अम्मा नौकरानी घर में खाना बना के और सबको खाना खिलाना घर के काम करना बच्चे संभालना वाह 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 क्या सेवा हो रही है माँ की क्या बोली थी इसने सेवा करने के लिए अम्मी को बुलाई हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है जब इसकी माँ नौकरों की तरह भाग भाग के काम करती है ना बड़ी ही हंसी आती है कि देख लो इज्जत छोड़ के कहते जिल्लत में इसकी माँ आ गई है और ये है ना मक्का फाते अमल हो रहा है झूठ को साथ दे रही है ना इसके लिए इसके साथ में ये सारा कुछ हो रहा है नौकरों वाली ज़िंदगी गुजार रही है अपनी ही बेटी के घर में हाँ। ना। हाँ इस्लामा रावल पिंडी जा रहे तो थी के हम लोग ने ना इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे जाहिर सी बात है जो दिल भर है ना इतना बड़ा जो दल्ला है वो पिटारा का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा तो इसने ना जान बुझ के ये सारा कुछ बोलने के लिए लगाई थी ताकि लोग है ना कराची में इसके घर का पता ना लगा ले और जाके वीडियोस उडियोज ना बना ले जो इसका कंटेंट है ना अपने होम टूर देने का वो कंटेंट कोई ना चुरा ले इसके लिए इसने झूठ बोली थी जैसे कि इसकी माँ से निकला ना मुँह से कि हाँ ये सोफे जाके रख के आ जाएंगे अगर इन लोग कोई और जगह पे मूव हो रहे रहते ना तो इसकी माँ से ये कभी भी मुँह से नहीं निकलता कि हाँ सोफे रख के आ जाएंगे जाहिर सी बात है कि अगर कहीं और ले रहे हैं तो कली सोफा रख के तो कोई नहीं आएगा ना इतनी दूर से आजू बाजू में ही कहीं घर लिए है तो ही इसके मुँह से निकला ना कि हाँ सोफा रख के आ जाएंगे तो ये सारा कुछ ड्रामा कर रही थी पिटारा इतने टाइम से कि हम कहीं और मूव हो रहे मतलब दूसरे शहर में गांव में मूव हो रहे ये कहीं नहीं जा रही है ये कराची में ही मरेंगी लेकिन ये घर तो ये ऐसे ही नहीं खाली कर रही है क्योंकि इसका पूरा पूरा मन था यही घर में रहने का ये जो एरिया में रहती है ना ये एरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है मतलब ज़्यादा रेड वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ती है लेकिन अब इसके घर पे रेड पड़ गई है ना तो इसको ये घर खाली करने का नोटिस मिला है इसके लिए ये घर खाली कर रही है वरना ये घर ये नहीं खाली करती और ना खुद का घर बताती ये ये बोलती कि मैंने छोटा सी घर ली हूँ और मैंने रेंट पे डाल दी हूँ लेकिन ये घर इससे खाली करवाया जा रहा है इसके लिए अब इसको अपना खुद का घर बताना पड़ेगा वो भी वो सारे घर नहीं जिसमें ये लाखों की खा रही है ना आ, क्या बोलते हैं भाड़ा खा रही है रेंट खा रही है वो घर नहीं दिखाएंगी अभी भी ये ऐसा कोई घर दिखा देंगी अच्छा खासा है जिसमें भी जा रही है वो घर भी लेकिन ये ऐसे दिखाएंगी कि वो छोटा है इतनी ज़्यादा ये चालू औरत है मकान कितने अच्छे अभी भी दोनों माँ बेटी को शर्म नहीं आ रही है कि माँ बोल रही है बहुत ज़्यादा रेंट था रेंट देना पड़ा था ये है वो है अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही है सबको पता चल गया है कि इसके खुद का घर है ये भी लेकिन अभी भी ये वही बकवास किए जा रही है कि मालिक मकान बहुत अच्छा था रेंट ज़्यादा था रेंट कितना सारा भरना पड़ता था इसकी माँ की बातों पे तो मेरे को एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है जैसे पिटारा पे नहीं है ना वैसे इसकी माँ पे भी नहीं है शुरू शुरू में जब मैं इसकी माँ की वीडियो में आने लगी थी ना तो मेरे को थोड़ा बहुत यकीन आता था कि हाँ चलो भाई माँ है तो सच्ची बोल रही होगी एक पिटारा के अलावा मुझे नहीं लगता था कि कोई इतना झूठा हो सकता है लेकिन इसकी माँ जो बात बोलेंगी ना तो समझ जाने का एक नंबर की झूठी औरत है कल के वीडियो में देखा ना आप लोगों ने चश्मे वाला ड्रामा कितना अच्छा की उससे ही आप लोग समझ जाओ ये कितनी दोगली औरत है उस तो दिन बारिश में दुआ मांग रही थी मेरी बेटी को घर मिल जाए दूसरे दिन बोल रही है कल मैंने घर मांगी देखो आज अल्लाह ने दे दिया अरे झूठी मकार औरत शर्म कर शर्म उम्र का लिहाज कर थोड़ा सी इतनी बार इसके झूठ पकड़े गए है फिर भी आके झूठ बोलती है सेम टू सेम सितारा इसके ऊपर गई है दोनों माँ बेटी वैसे ही झूठे और बेसरम है वो सब फिर मैं आपको अगली ही वीडियो में बताऊंगी कि एक और भी बात है जो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी सर कितना बेवकूफ़ बनाएंगी कितना पब्लिक को अंधेरे में रखेंगी पिटारा अभी और भी कुछ बाकी है बताने का जैसे कि मैंने बोली ना ये फर्नीचर थोड़े बहुत यहाँ पे छोड़ के जाएंगी पहले इससे ये तो पूछो ये शिफ्टिंग में लगी हुई है इसने तो बोली थी कि मैं गाड़ी बेचूंगी वो भी डालूंगी तब जाके हम लोग घर ले पा रहे है गाड़ी क्यों नहीं बेची अब तक के इसने इससे ये सवाल क्यों नहीं करते इसके सपोर्टर ये सवाल करे ना कि गाड़ी बेचने वाली थी गाड़ी क्यों नहीं बेची और जो कल ये बताने वाली है तो उसके ऊपर भी सवाल करना बनता है ना इसका क्योंकि कल भी ये बहुत बड़ा बम फोड़ने वाली है बम क्या फोड़ने वाली है वही बातों में घुमा के पब्लिक को ना बेवकूफ़ बनाएंगी बाकी और कुछ नहीं सामान क्यों नहीं लेके जा रही मैं थोड़ा सी यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रही मैं ये क्यों बनवा रही मैं वो क्यों बनवा रही खैर देखेंगे कल और क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाती है ना क्योंकि अच्छे काम तो इससे होंगे नहीं सिर्फ और सिर्फ ये बेवकूफ ही बना सकती है से जो राज मैंने बताना है वो राज तो मुझे नहीं लगता है कि ये बताएंगी कभी भी नहीं बताएंगी क्योंकि वो राज भी बहुत बड़ा है करोड़ों रुपए वाला राज है खैर चले इस वीडियो को मेरी अगली वीडियो आए थे लग के वेट करना मैं जरूर उसके अंदर सारी बातें क्लियर करूंगी और बताऊंगी तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़